आज हम आ गए हैं राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरने वाली पगड़ी या साफों को देखने के लिए। राजस्थान संपूर्ण राष्ट्र में अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ की वेशभूषा अपने अपन का एहसास करवाती है। पगड़ी राजस्थान के पहनावे का अभिन्न अंग है। पगड़ी सर पर विशिष्ट शैलियों में बांधी जाती है, जो कि विभिन्न जातियों व अवसरों में अलग अलग होती है। पगड़ी के रंग से कुछ हद तक व्यक्ति की जाति की पहचान की जा सकती है। राजस्थान में पगड़ी को आन बान व शान का प्रतीक माना जाता है। यह राज्य रजवाड़ों व ग्रामीण परिवेश की शान मानी जाती है। पगड़ी राजनेताओं के माथे की भी शोभा बढ़ाती है। साफे अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। केसरिया रंग का साफा युद्ध और शौर्य का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग का साफा शोक यानी दुख का प्रतीक माना जाता है। आज भी मांगलिक कार्यों में साफा पहने जाने का प्रचलन है, जो कि प्राचीन काल या रियासत काल से भी चला आ रहा है। वैसे साफा तेज धूप में भी सर की रक्षा करता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं अलग अलग प्रकार के साफों को और किस तरह से ये अलग अलग रंगों में बहुत मनमोहक। ये गुजराती साफा, कोल्हापुरी साफा, ये गंगा शाही साफा, ये जोधपुरी साफे, मेवाड़ी साफे वाली सोनो। मैं नहीं, मुझे तो रहना था। ये बीकानेरी साफा, गोल जैसलमेरी का साफा आपके सर पर बीमार मूछों के साथ देखिए। आप आइए थोड़ा सा, एक तरफ वाली मूछ है ये करीब करीब 17 फीट लंबी है और गिरदर व्यास ने पूरे देश के कला मंचों पर अपनी मूछ के रौद्र को दिखाया है। ये सबसे लंबी मूछ है, हनुमान जी के पूछ की तरह ये मूछ है। हाँ हाँ, क्या बात है। ये देखिए साहब, सबसे बड़ा साफा और सबसे बड़ी मूछ, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। प्रेस और मीडिया के तमाम साथी जो यहाँ पर हमारे साथ चुके हैं।